आज के इस विराट जनसभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के जुझारू कर्मठ संवेदनशील और समाज से जुड़े हुए ऐसे हमारे राज्य के अध्यक्ष सम्माननीय संजय बंडी जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, डॉक्टर के लक्ष्मण जी, तरुण चुग जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, सुनील बंसल जी, डी के अरुणा जी हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, पी मुरलीधर राव जी जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं और मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, श्री सुधाकर रेड्डी जी जो तमिलनाडु के इंचार्ज हैं, श्री एटला राजेंद्र जी, श्री गरिकापति मोहन राव जी, श्री जी विवेक जी, श्री ए पी जितेंद्र रेड्डी जी, श्रीमती विजय शांति जी, श्री इंद्रसेन रेड्डी जी, मनोहर जी, श्री जी प्रेन्द्र रेड्डी जी, कुमारी बंगारू श्रुति जी, हमारे प्रदीप कुमार जी, धर्मपुरी अरविंद जी हमारे एमपी और सोयन बाबू राव जी, यहां मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे नौजवान साथी देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो ओरुगल्लू गड्डा वारंगल प्रजा लाकू ना नमस्कारम। मित्रों, आज मुझे वारंगल में आने का मौका मिला है और भद्रकाली मंदिर के दर्शन करने का भी मुझे मौका मिला। इस पवित्र धरती पर, इस पवित्र स्थान पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो इस पवित्र धरती को, क्रांतिकारी की धरती को, कला से जुड़ी हुई धरती को और काकतीय साम्राज्य के मां भद्रकाली जो वहां की कुल देवता भी हैं, ऐसे धरती को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, अभी मेरे बाद क्योंकि मुझे जाना है इसलिए हमारे नेतागण आपसे बहुत सी बातें बड़े तफसील से करेंगे और वो आपके सामने सारी बातें विकास के दृष्टि से रखेंगे। लेकिन आज मुझे तीसरे फेज का, इस यात्रा का जो प्रजा संग्राम यात्रा है, उसके समापन कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मुझे खुशी है कि प्रथम चरण में आपने 36 दिनों की यात्रा संजय बंडी जी ने की, 438 किलोमीटर आप चले और लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट्स और 19 विधानसभा के इलाके में आपने कहा लोगों के साथ अपना जुड़ाव बनाया। मुझे इस बात की भी खुशी है कि दूसरे चरण में आप लगभग 31 दिन आपने पदयात्रा की और आपने 383 किलोमीटर की यात्रा की, लगभग 9 क्षेत्रों पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से होते हुए आपने 5 जिलों को टच करने का प्रयास किया, वहां की यात्रा से आप जुड़े। और तीसरे में आप लगभग 325 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए, आप लगभग 5 जिलों से होते हुए आज यहां वारंगल में आए हैं और ये तीसरे चरण का समापन है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने और आपके नेतृत्व में जनता से जुड़ने का ये कार्य, ये जो आपने जनता के साथ अपना संपर्क बनाया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों,
जब हम यात्रा की बात करते हैं तो ये यात्रा किस लिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस यात्रा। इस यात्रा का मकसद है कि जिस तरीके से टीआरएस तेलंगाना राज्य समिति और केशव चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में तेलंगाना को एक अंधेरे में ढकेल रही है, उससे निजात दिला करके यहां फिर से उजाला हो, विकास हो, नई कहानी लिखी जाए, इस संकल्प को लेकर के हम चले। और जब हम ये कहते हैं तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे। आज मैं यहां आया हूं तो मुझे पता चला कि मेरे आने के पहले इस ग्राउंड का परमिशन रोक दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। मुझे बताया गया कि रात के 12 बजे कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा हमें यहां का परमिशन मिला है। मुझे बताया गया कि जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो हमारा स्वागत नहीं हो सकता है, क्योंकि धारा 144 केसीआर की सरकार ने, ये अंधेरी सरकार, ये जनता विरोधी सरकार, इस सरकार ने धारा 144 लगा दिया है। जब मैं निकल रहा था तो जगह जगह पर जहां मेरा स्वागत होना था वहां भी धारा 144 लगा दी गई थी। मित्रों, जब मैं दूसरे चरण के भी यात्रा में आया था, जब संजय बंडी को अरेस्ट किया गया था तो मैं उनको छुड़ाने के लिए आया था, तो उस समय भी मुझे एयरपोर्ट पे कहा गया था कि कोरोना का प्रोटोकॉल के तहत हम आपको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने देंगे। ये कैसा तेलंगाना राज्य बन गया।